गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो अगर आपने कल क्लास लगाई हो लीड पे, तो उसमें आपको पता ही है क्या करवाया था। मैं उसका ही डीब्रीफ आपको दे रही हूँ, अगर कोई डाउट हुआ तो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इसके बाद आपके पास एक वर्कशीट आएगी, आपने उसको सॉल्व करना है खुद से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है फेयरनेस। तो फेयरनेस क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। फेयरनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग ऑल द पीपल विद ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी। ऑनेस्टी, ईमानदारी से, डिग्निटी रिस्पेक्ट से, और इम्पार्शियलिटी किसी में भेदभाव ना करके। नो मैटर हु दे आर एंड वेयर दे कम फ्रॉम, कहाँ से वो आए हैं, कौन है, कुछ मैटर नहीं करता। हमने उनको ट्रीट करना है विद ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी। सो अगर आपको नीचे डायग्राम दिख रही है, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि हमें नहीं पता जो ये ऑरेंज वाला बॉय है, ये कहाँ से आया है, कौन है, इसकी कास्ट क्या है, बट स्टिल दे आर प्लेइंग टुगेदर। उनको इससे कोई मैटर नहीं है, हु दे आर एंड वेयर दे कम फ्रॉम, दे आर प्लेइंग टुगेदर विदाउट एनी पार्शियलिटी। सो इसको हम फेयरनेस बोल देते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल आ जाती है, वेन एवर रीमा एंड हर ब्रदर फाइट, जब भी रीमा और ब्रदर उसका फाइट करते हैं तो उसके पेरेंट्स जो हैं दोनों को सुनते हैं। लाइक कई बार ऐसे होता है ना, किसी के पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर पेरेंट्स। जो क्या होता है, अगर ब्रदर और सिस्टर में कभी भी फाइट हो जाती है तो वो ब्रदर की सुनते हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं उसकी सिस्टर की सुनते हैं, है ना। तो मतलब दोनों को नहीं सुना जाता और एक की सुन के दूसरे को पनिशमेंट दी जाती है। बट इन फेयरनेस ये नहीं होता, उन दोनों को सुना गया, जो रीमा और उसका ब्रदर था, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों में मतलब किसको पनिशमेंट देनी चाहिए या किसको समझाना चाहिए, तो उन्होंने वो डिसाइड किया। थ्रू दिस रीमा पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी फेयरनेस शो की है, उन्होंने दोनों को चांस दिया है कि दोनों को सुने और पता चले कि एक्चुअली में हुआ क्या था, है ना। तो ये फेयरनेस हो जाती है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये भी एग्जाम्पल है, माई टीचर शोज फेयरनेस बाय गिविंग एवरी वन अ चांस टू गिव आंसर। तो मैं दो एग्जाम्पल्स लूँगी इसमें, एक मैं एग्जाम्पल अपनी खुद की लेती हूँ। जब भी मैं क्लास में टीच करती हूँ, अगर मैंने क्वेश्चन पूछना होता है, मैं सबसे पूछती हूँ या फिर मैं बोल देती हूँ कि सिर्फ यही बच्चा आंसर करेगा? नहीं ना, अगर मैं ऐसे बोलूँगी ना, सिर्फ यही बच्चा आंसर करेगा और कोई नहीं बोलेगा, मैंने तो सिर्फ इसका ही सुनना है, मैंने और किसी का सुनना नहीं है, तो वो फेयरनेस नहीं होती, वो इनजस्टिस हो जाता है ना। तो अगर मैं सभी को इक्वल चांस देती हूँ टू गिव द आंसर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फेयरनेस। सेकंड पॉइंट, आई थिंक इट इज़ फेयर व्हेन एवरीवन गेट्स अ चांस टू सिट नियर द विंडो। मैं और मेरी फ्रेंड हैं, या फिर स्कूल की बात कर लो, अगर हम सिर्फ एक ही पर्सन को दे रहे हैं चॉइस कि आप ही विंडो की तरफ बैठो और किसी को बैठने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो फेयर नहीं होता, अनफेयर हो जाता है वो। अगर सभी को चांस मिल रहा है टू सिट नियर द विंडो, देन वी कैन कॉल इट फेयरनेस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, सभी को इक्वल मानना, है ना, ट्रीटिंग एवरीवन इन द सेम मैनर। अब मैं हूँ क्लास में, कुछ बच्चों को सेम पढ़ा रही हूँ, उनमें से एक दो बच्चों को लेके जा रही हूँ बाहर, उनको कुछ स्पेशल पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी हो जाती है ना। बट इफ़ आई एम ट्रीटिंग देम इक्वल, और मैं एक ही क्लास में सभी बच्चों को इक्वल पढ़ा रही हूँ, तो वो इक्वालिटी हो जाती है, और हर एक पर्सन के पास इक्वल राइट है। दे ऑल मस्ट बी गिवन विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट भी उनके पास होनी चाहिए और इक्वालिटी भी होनी चाहिए। ओके, सो इसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट हमें दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल आ जाती है, नदीम एंड नदिया स्टडी इन क्लास 4th एंड 5th।
जो नदीम है और नादिया है वो फोर्थ एंड फिफ्थ में पढ़ते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सेम पॉकेट मनी देते हैं और वो दोनों ही क्रिकेट के लिए भी जाते हैं और डांस क्लासेस के लिए भी जाते हैं और जो घर का काम है वो भी उन दोनों में बांटा हुआ है कि आप ये करोगे और आप ये करोगे। तो नादिम और नादिया जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है बाय पेरेंट्स, तो ये इक्वालिटी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका कॉन्सेप्ट टाइम, ये आपकी स्टूडेंट रीडर बुक में होगा। तो जो ये इंटरोगेटिव टॉपिक है, इंटरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट आ जाता है व्हाट। व्हाट में व्हाट हम तब यूज करते हैं जब एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर हो सकता। मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, हो सकता है एक बच्चे का नेम हो, क्या सकता है, होता ही है ना, एक बच्चे का नेम और होगा एक और। जब पॉसिबल आंसर्स एक से ज़्यादा होते हैं देन वी विल यूज़ व्हाट। सेकंड आ जाता है विच। विच हम तब यूज़ करेंगे जब हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप में से किसी चीज़ को चूज़ करना हो या आइडेंटिफाई करना हो, लाइक विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो कॉमन ही है ना, अब अगर मैं 6th to 8th क्लास में पूछूं तो पता ही है कि इंग्लिश, साइंस, SST, पंजाबी, हिंदी, तो यही सब्जेक्ट्स होंगे मेन, है ना। तो इनमें से अगर पर्टिकुलर ग्रुप में से मैंने एक स्पेसिफाई चूज़ करना हो तो तब हम विच यूज़ करते हैं। व्हेन वी विल यूज़ हु टू आस्क क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक पीपल डूइंग समथिंग। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक चीज़ काम कर रहा है और उसके रिलेटेड अगर हमने कोई क्वेश्चन पुट करना है देन वी विल यूज़ हु, लाइक हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, कौन खड़ा है डोर पे, वही खड़ा होगा, कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है हुम, टू नो ऑन विच पर्सन द एक्शन वॉज डन, किस पर्सन के ऊपर वो एक्शन, वो काम हुआ। हुम वॉज द बुक गिवन टू, किसने किसको आपने बुक दी, ये भी क्वेश्चन हो जाता है ना। उसके बाद आ जाता है हुज, टू फाइंड आउट द पर्सन दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग टू। अब मेरे हाथ में नोटबुक है या पेन है, मैं पूछ रही हूँ हुज पेन इज दिस, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का हो गया ना, तो तब हम हुज यूज़ करते हैं। नाउ यू हैव टू डू वर्कशीट नंबर 15 इन योर वर्क बुक, सो उसके बाद मैं आपको आंसर की सेंड करूंगी, बट पहले आपने ये जो है सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एंड यू हैव टू सॉल्व बाय योर ऑन वर्कशीट नंबर 15। होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।